Yesterday we discussed about the various enzymes. Five types के enzymes हैं जो biotech में हम use करते हैं. First one was lysing enzymes, जो cells को cell की जो wall है, membrane है, उसको open करने में help करते हैं. Then endonucleases, जो DNA को specifically endonucleases नाम से पता लग रहा है. Endo मतलब inside, nucleases मतलब nucleus, nucleus के अंदर DNA पे जो काम करते हैं. Lysing जो cell पे काम करते हैं. Alkaline phosphatases जो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. देन कम्स फॉस्फोराइलेजेस जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने में मदद करते हैं, और लाइगेजेस जो कनेक्ट करने में ग्लू का काम करते हैं. तो ये पांच एंजाइम्स हमने पढ़े थे. मैंने आपको बताया था कि इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल दो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे यूनिक और सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनका प्रॉपरली काम करना बहुत जरूरी है, वो है एंडोन्यूक्लियेसिस. इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स का नाम कहते हैं. ये कट लगाने का काम करते हैं. इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? बैक्टीरिया से. एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वहां से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. उसके बाद अलग अलग बैक्टीरिया से इनको आइसोलेट करके बायोटेक के अंदर एज अ टूल इसको यूज किया जाता है. ये हम कर चुके थे. जहां जो भी डाउट है या जो भी रिपीट करना चाहते हो बीच में बोल के बता देना. अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस, लाइगेजेस, और प्लीज रिस्पॉन्स करते रहिए साथ साथ ताकि मुझे पता लगता रहे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. नेक्स्ट हम देख रहे थे, जहाँ हमारा लेक्चर खत्म हुआ था, कि एंडोन्यूक्लियेसेस जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल को कट कैसे करते हैं. अब देखो, ये भी कट लगाने का काम कर रहे थे, और जो लाइजिंग एंजाइम है वो भी सेल को ब्रेक करने का काम करते हैं, ओपन करने का काम करते हैं. लेकिन तो फिर ये एंडोन्यूक्लियेसेस से हम सेल को ब्रेक क्यों नहीं कर सकते? द रीजन इज कि ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही कट लगाते हैं, और उस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोम. और आपको पता है कि पैलिंड्रोम जेनेटिक मटीरियल में ही देखने को मिलती है. पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसको आपने 5-3 में पढ़ना है सपोज, तो वो सेम रीड की जाएगी. अगर मैं इस सीक्वेंस को 5-3 डायरेक्शन में रीड करूँ तो इट विल बी रेड एज GAA TTC. और ऐसे यहां से मैं रीड करूं GAA TTC, तो इसको पैलिंड्रोम कहते हैं. ये सिर्फ पैलिंड्रोम पे कट लगाते हैं. और एंडोन्यूक्लियेसेस जो हैं दो तरह के कट्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड प्रोड्यूस करते हैं. एक होते हैं स्टिकी एंड्स, और एक होते हैं ब्लंट एंड्स. बायोटेक में जो प्रेफर किए जाते हैं वो स्टिकी एंड को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं. टाइप ऑफ पैलिंड्रोम विल डिसाइड द टाइप ऑफ द कट, टाइप ऑफ द एंड्स. जैसे इस तरीके की पैलिंड्रोम है, कोई एंडोन्यूक्लियेसेस है, वो जी और ए के बीच में कट करता है, तो एक कट यहाँ लगेगा और एक कट यहाँ लगेगा, जो ब्लू कलर से दिखा है. तो अब इसमें क्या होगा, ये जी अलग हो गया, ये पांच बेसिस अलग हो गए. ऐसे यहाँ पे ये पांच बेसिस अलग हो गए, पांच आने चाहिए थे, मैंने चार लिखे थे. फाइव बेसिस अलग हो गए, इधर से जी अलग हो गया. तो इस तरह के जो कट बनेंगे, एक कट छोटा हुआ और एक लंबा सा कट बन गया. यहाँ पे क्या हुआ, एक कट बहुत लंबा था और फिर एक छोटा सा था. तो ये जो ऐसे कट प्रोड्यूस हुए हैं, हम इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, एक कट ऐसा बन गया और एक कट इस तरीके से बन गया. जब इनको जैसे पजल जोड़ते हैं हम, उस तरह से ये कट बन गया, ठीक है. तो इस कट को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स, जिसका एक एंड बड़ा है और एक एंड छोटा है. अगर यूनिफॉर्म कट लगता है, मतलब बराबर बराबर सा, तो उसको हम कहते हैं ब्लंट एंड. जब इस तरह के एंड होते हैं, ये स्टिकी एंड बनेगा या ब्लंट एंड बनेगा, ये एंजाइम पे डिपेंड नहीं करता. ये डिपेंड करता है कि पैलिंड्रोम कैसी है, राइट. पैलिंड्रोम कैसी है ये डिसाइड करती है कि कैसा एंड प्रोड्यूस होगा. और स्टिकी एंड जब प्रोड्यूस होते हैं ना, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो इनके बीच में थे वो भी टूटेंगे, और इन जो दो स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था ये भी ब्रेक हो जाएगा. लेकिन ब्लंट एंड के केस में सिर्फ ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड अभी नहीं टूटा. ये सेगमेंट इसके साथ अटैच है, ये सेगमेंट इसके साथ अटैच है. बायोटेक के अंदर जो हम प्रेफर करते हैं वो स्टिकी एंड्स करते हैं, क्योंकि स्टिकी एंड के साथ जीन को डीएनए को कनेक्ट करना ईजी होता है, ठीक है. और दूसरी बात, जिस एंडोन्यूक्लियस से आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करोगे, उसी एंडोन्यूक्लियस से हम वेक्टर भी कट करेंगे, ताकि सेम एंड प्रोड्यूस हो. अब ये जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, इनके बारे में हमें तीन मेन चीजें पढ़नी थी. एक तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, फिर ये कट कैसे लगाते हैं, कौन सी सीक्वेंस पे कट लगाते हैं, फिर इनका नामकरण, नॉमनक्लेचर, राइट. एंडोन्यूक्लियेसेस का एक पर्टिकुलर तरीके से नाम लिखा होता है. यू मस्ट हैव रेड इन योर बुक इको आर वन,
हिंट वन, हिंट टू, इस तरीके से नाम, ये नाम कैसे रखे गए? क्या करते हैं, मान लो एस्केरिशिया कोलाई RY13, ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन है। मैंने बताया कि एंडोन्यूक्लियसिस को बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, तो मान लो ये बैक्टीरिया का नाम है एस्केरिशिया कोलाई RY13। तो इसका नाम, अब एंजाइम का नाम ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि इस पूरे बैक्टीरिया का लिख दिया और फिर एंजाइम लिख दिया, इसको एक शॉर्ट फॉर्म दी गई है। पहले क्या करते हैं, जीनस का फर्स्ट लेटर उठाते हैं कैपिटल में, एस्केरिशिया का क्या लिया हमने, ई। फिर ये जो कोलाई है, स्पीशीज के पहले दो अल्फाबेट लेते हैं और ये स्मॉल लिखने होते हैं, ई को बन गया। फिर हम उसका स्ट्रेन लिखते हैं आर, आर लिख दिया। फिर ये नंबर जो रोमन में नंबर दिया जाता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने गलती की हुई है कि डिस्कवरी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ये नंबर लिखा गया है, बट एज पर द एनसीईआरटी ये जो नंबर दिया गया है रोमन, दिस इज अकॉर्डिंग टू द आइसोलेशन। जैसे एस्केरिशिया कोलाई से, RY स्ट्रेन से जो पहली बार आइसोलेट होगा उसको हम नाम देंगे इको आर वन, जो दूसरे नंबर पे आइसोलेट होगा उसको हम क्या कह देंगे, इको आर टू, ऐसे थ्री, ऐसे फोर, ये नंबर ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलेशन ये नंबर दिया जाता है। ठीक है, पहला वर्ड ई, जीनस का ई लिया, फिर स्पीशीज का कोलिया शॉर्ट में स्मॉल लेटर्स में, फिर स्ट्रेन लेते हैं आर, और फिर ये हम उसका रोमन नंबर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोलेशन। अब एक और, इसमें एक और बात है कि ये देखो एस्केरिशिया कोलाई RY13, हमने यहाँ पे आर यूज किया है, कोई और बैक्टीरिया है जिससे एंजाइम आइसोलेट कर रहे हैं और उसके स्ट्रेन में भी पहले आर आता है, तो आप यहाँ पे आर नहीं ले सकते क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, तो आप इसका दूसरा लेटर लोगे। जब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी RD, अब इसका कैसे बनेगा, हीमोफिलस का H लेते हैं, इन्फ्लुएंजी का क्या लेंगे, IN। अब R और D है ना, तो हम इसमें R नहीं ले सकते क्योंकि इको R में R हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट लेते हैं, D, और D स्मॉल है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 1, 2, 3, 4, ये जो नंबर हम देंगे दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोलेशन। ये एक्चुअली हिंट ऐसे लिखा जाता है HIN, और D थोड़ा सा अलग लिखते हैं, हम जोड़ देते हैं तो वो हम उसको ऐसे ही पढ़ते हैं, हिंट वन, हिंट टू। बेसिकली हम R ले सकते थे लेकिन हम R हम नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो ये इसका कुछ रूल्स हैं इसका नॉमनक्लेचर करने के। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है हिंट वन और हिंट टू के, ये जो हिंट टू है एंजाइम, ठीक है, दैट वॉज हिंट वन, ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे हिंट वन वॉज द फर्स्ट आइसोलेटेड, ठीक है, यहाँ पे आइसोलेटेड आएगा, और जो हिंट टू था दैट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये चेंज कर लेना यहाँ पे। देखो जो वन और टू नाम दिए जाते हैं दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोलेशन, तो अगर मैं पूछूं कि हिंट वन और हिंट टू में से पहली बार आइसोलेट कौन सा किया गया था, तो योर आंसर मस्ट बी हिंट वन। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, हिंट टू जो था वो पहली बार डिस्कवर किया गया था, तो एक करेक्शन प्लीज कर लेना, हिंट टू वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस एंड हिंट वन वॉज द फर्स्ट आइसोलेटेड एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, दैट वॉज द एंजाइम। इतने तक में कोई डाउट है? 5 तरह के एंजाइम्स हैं जिनमें हमने डिटेल पढ़ी है एंडोन्यूक्लियेसेस की, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन सी सीक्वेंस में वो कट करते हैं, कैसे एंडोन्यूक्लियेसेस का नॉमनक्लेचर किया जाता है, उसका ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रूल्स फॉर द नॉमनक्लेचर ऑफ द एंडोन्यूक्लियेसेस। वहां आपको क्या करना होता है कि आपको उसके रूल्स लिखकर कोई भी एक एग्जाम्पल देख के बताना है। ठीक है, आगे करें, यहां तक कोई डाउट, रिप्लाई फास्ट बेटा। यहां तक क्लियर है? तुम बीच में बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आती है रिक्वायरमेंट, वेक्टर। बायोटेक जब भी आप करने जाते हो, एक अप्लाइड साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हमें कुछ बहुत ऐसा बनाना है जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, तो पहला जो उसमें टूल था एंजाइम्स थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम थे, अलग अलग उसके यूजेस थे, वो हमने पढ़ लिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट आती है हमारी वैक्टर्स की। ठीक है, अब वैक्टर क्या होता है इन द बायोटेक्नोलॉजी, हमने ह्यूमन फिजियो में भी वैक्टर पढ़ा था,
आई होप याद होगा तुम्हें, जैसे मच्छर होते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं, मलेरिया फैलाते हैं, तो वो मच्छर वेक्टर का काम करते हैं, लेकिन पैथोजन कौन था वहां पे? प्लाज्मोडियम। ऐसे ये जो मक्खियां होती हैं, ये भी वेक्टर का काम करती हैं। वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल, मूव मूव करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे। ऐसे ही बायोटेक में वेक्टर का मतलब होता है अ डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज यूज्ड एज अ व्हीकल टू आर्टिफिशियली कैरी द जेनेटिक मटेरियल इनटू अनदर सेल। मैंने इस सेल में से डीएनए निकाल कर इस सेल में ट्रांसफर करना है, ठीक है? तो अब वो डीएनए को मैं डायरेक्ट ना भेजकर एक वेक्टर के थ्रू भेजती हूँ। उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? व्हीकल। वो भी डीएनए ही है, ठीक है? हमने इस डिजायर्ड जीन को यहाँ से उठा के यहाँ भेजना है, तो इसको डायरेक्टली नहीं भेजकर हम क्या एक वेक्टर की मदद से भेजते हैं। इस वेक्टर को व्हीकल कहते हैं, और ये खुद भी डीएनए मॉलिक्यूल ही है, ठीक है? इट इज अ बायोलॉजिकल टूल इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दो टाइप के वेक्टर होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। ये बुक में नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ द डीएनए विच हैव द एबिलिटी एंड यूज टू इंट्रोड्यूस फॉरन जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टू द होस्ट सेल, ठीक है? दे कैन बी स्टेबली मेंटेन्ड इन द होस्ट सेल। क्लोनिंग का सिंपल वाले वेक्टर, जो एक पीस है डीएनए का, एक सेल से डीएनए को उठाकर दूसरी सेल में लेकर जाता है, वहां पे मेंटेन भी हो जाएगा, ठीक है? इसके एग्जांपल हैं प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजेस, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये हमने ह्यूमन जीनोम में पढ़े थे, ध्यान होगा। तो दूसरे टाइप के वेक्टर्स आते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ द वेक्टर विच नॉट ओनली इंट्रोड्यूस अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टू होस्ट, जो क्लोनिंग काम भी करते हैं, ये दोनों ने काम किया, बट ऑल्सो हेल्प इन द एनालिसिस ऑफ द फॉरेन जीन वाया रेलिवेंट प्रोटीन प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। अब ये वो है जो क्या करते हैं कि एक तो लेकर आए एक सेल से दूसरे सेल में, प्लस अब वो जो एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन बनाएगा, उसका एनालिसिस करने में भी मदद करते हैं। दिस वेक्टर इज यूज्ड टू ऑब्टेन और एनालाइज द जीन प्रोडक्ट विच मे बी आरएनए और प्रोटीन ऑफ द इंसर्टेड डिजायर्ड जीन। एग्जाम्पल है ओनली प्लाज्मिड वेक्टर्स। देखो दो तरह के वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ऐसा है जो सिर्फ एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करने में ही मदद करता है, राइट? और एक्सप्रेशन वाले वेक्टर थोड़े ज्यादा खास है। अब ये ट्रांसफर तो करते करते हैं एक्सप्रेशन क्या, आपने जीन डाला, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, दिस इज द एक्सप्रेशन। उसके एक्सप्रेशन को एनालाइज करने में भी मदद करते हैं सिर्फ प्लाज्मिड वाले। तो अब इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा? ऑब्वियसली कौन से बेटर रहेंगे? एक्सप्रेशन वेक्टर्स। बाकी क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा ज्यादा सुपीरियर है, ये बायोटेक में रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यूज किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ता है, इवन बजट तक देखना पड़ता है, सेल की टाइप देखनी पड़ती है, कौन सा डीएनए आपको ट्रांसफर करना है ये देखना पड़ता है। उसके बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि उसको क्लोनिंग वेक्टर जरूरत पड़ेगी या एक्सप्रेशन। मेन तो होस्ट सेल देखनी पड़ती है कि वो कौन से वाले को सक्सेसफुली एकोमोडेट कर पाएगी, ठीक है? तो दो तरह के वेक्टर हैं, क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन। एक कॉमन काम दोनों करते हैं, डीएनए को एक सेल से उठा के दूसरी सेल में लेकर जाना, ये एक्स्ट्रा काम करता है जो उसके एक्सप्रेशन के एनालिसिस करने में भी मदद करता है, ठीक है? अब एक अच्छा वेक्टर जो होगा उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल उठाकर हम एज अ वेक्टर यूज करना स्टार्ट कर देंगे, नेवर एवर, ठीक है? तो कुछ फीचर्स होने चाहिए। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, कि उस वेक्टर के पास एक ओराई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी तो वो रेप्लिकेट करेगा, ये वेक्टर है, ठीक है? इसमें मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, जब तक ये खुद रेप्लिकेट नहीं होगा ये भी रेप्लिकेट नहीं होगा, तो फायदा क्या है? तो सबसे पहले वेक्टर के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए खुद को रेप्लिकेट करने की, राइट? ये पढ़ लेना खुद से। अ वेक्टर शुड बी, ए वेक्टर शुड बी लेस देन 100 KB इन साइज, मतलब
छोटे वेक्टर्स को कैरी करना इजी होता है, ट्रांसफर करना इजी होता है, ठीक है, इजीली इसको आइसोलेट करना, प्यूरीफाई करना आसान हो जाए। मान लो किसी बैक्टीरिया से आपको प्लाज्मिड निकालना है तो उसको आइसोलेट करना और प्यूरीफाई करना भी इजी होना चाहिए, छोटे साइज का होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसके अंदर होना चाहिए ताकि वो रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। एंड लास्ट वन इज सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर नाम से पता लगता है बेटा, मार्कर मतलब कोई एक ऐसी चीज, मार्का मतलब कोई एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, सिलेक्टेबल जो कल को सिलेक्शन में मदद करेगा, ठीक है। दीज मार्कर जीन मस्ट बी देयर इन एन आइडियल वेक्टर एज इट विल हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। प्लीज अपनी कॉपी पेन पे अभी जो मैं समझाऊंगी उसे पूरा अच्छे से लिख लेना। एक वेक्टर जो है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, हमने पढ़ लिया, स्मॉल होना चाहिए, इसको आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना इजी होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए इसके अंदर। सिलेक्टेबल मार्कर्स का मतलब होता है बेटा, एक इससे पहले टर्म होगी ट्रांसफॉर्मेंट और एक टर्म है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। प्लीज इसे नोट कर लेना नहीं तो बाद में भूल जाओगे। ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट और एक होते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था जिसको मैंने लिख दिया GOI, ये है प्लाज्मिड, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक वो बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया और प्लाज्मिड भी आ गया। इसको आपने बहुत सारी होस्ट सेल में डालना है, बहुत सारे हैं और इनको खूब सारी होस्ट सेल में डालना है। तो कई सारे हैं, मतलब मान लो ये जैसे फोर हैं तो ये भी फोर है मान लो, या तीन है। तो अब हो सकता है कि किसी सेल में ये जाएगा, किसी सेल में ये नहीं जाएगा। अब ये जरूरी तो नहीं है ना हर सेल इसको ले लेगी। तो ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा होगा, द सेल विच टेक्स अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन होंगे, या तो द सेल विच टेक्स अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ओनली प्लाज्मिड, कुल मिला के की और एनी फॉरेन डीएनए। अगर किसी इस सेल के अंदर कोई भी, अगर या खाली प्लाज्मिड आ गया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, कुछ भी आया, मतलब कुल मिला के जिस सेल के पास कोई बाहर का डीएनए आ गया, ठीक है, वो तो है ट्रांसफॉर्मेंट। और जिसके पास कुछ भी नहीं आया, जो एज इट इज पड़ी है, वो क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जब हम ये काम कर रहे होते हैं ना बेटा, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में हम जब इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये इंसर्ट हो जाएगा या नहीं होगा, खाली प्लाज्मिड रह गया। क्या ये सारा काम ना एक पेट्री टेस्ट ट्यूब्स के अंदर छोटी छोटी एपेंडॉर्ब्स होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, लिक्विड फॉर्म में ये काम हो रहा होता है। तो अभी हमें नहीं पता, मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाल दिया, मतलब मान लो मैंने अपना इंसुलिन का जीन भी डाल दिया और एक प्लाज्मिड भी डाल दिया, इकोलाई से लेकर सारा मिक्स कर दिया। अब हिट एंड ट्रायल होता है बेटा, हम नहीं कह सकते कि 100% रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएंगे, कुछ खाली प्लाज्मिड रह जाएंगे और कुछ सक्सेसफुली हमारे बन भी जाएंगे। ये हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है, ये हमारे लिए डिजायर्ड है। फिर जब हम इसको होस्ट में भेजते हैं, ऐसा हो सकता है कि किसी होस्ट सेल में खाली प्लाज्मिड चला गया, किसी में कुछ भी नहीं गया और किसी के अंदर रिकॉम्बिनेंट वाला चला गया। हमारे लिए तो सिर्फ यही काम किया है ना हमारे लिए ये काम किया है ना हमारे लिए ये काम किया है। तो हमें आगे जाके सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? जब आप अपने डीएनए को जो आपका इंटरेस्टेड वाला है, जिसको आपने ट्रांसफर कराना है, प्लाज्मिड के साथ ऐड करते हो वेक्टर के साथ, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, वेक्टर उसको ले भी सकता है, वेक्टर उसको नहीं भी ले सकता। चलो ठीक है, आपको नहीं पता कि किसने लिया किसने नहीं लिया, फिर आपने उसको होस्ट में ट्रांसफर किया। अब होस्ट में भी तो है ना, हो सकता है होस्ट सेल खाली रह जाए, कुछ भी ना ले पाए, हो सकता है उसमें खाली प्लाज्मिड चला जाए, उसका हमने क्या करना है। हो सकता है उसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए, जिस होस्ट के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है हमें सिर्फ उससे मतलब है, बाकी हमें किसी से भी मतलब नहीं है। यहां तक समझ आया? ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी सेल के अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए का एंटर कर जाना, ठीक है। उसके बाद कोई ना कोई क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए,
वेक्टर को कट लगाना पड़ेगा, आपको पता है राउंड फॉर्म में अगर वेक्टर है तो उसको कट लगाओगे तभी तो वो ओपन होगा, और कट तभी लगेगा जब उसके पास कोई ना कोई साइट होगी। एंडो न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, ये दिख रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, PBR322। पी का मतलब है प्लाज्मिड, बी का मतलब है बॉलीवर, आर का मतलब है रॉड्रिग्यूस, 322 इसका नंबर दिया गया था लैब में। ये बी और आर बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूस साइंटिस्ट के नाम थे। अब ये देखो तुम, इस वेक्टर के पास एक ओरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ये तो है सिलेक्टेबल मार्कर्स जो कल को सिलेक्शन में मदद करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, अभी मैं बाद में समझाऊंगी। ये देख रहे हो PST1, PUE1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। मतलब 8 जगह पे एंडोन्यूक्लियस कट कर सकते हैं। तो रूल ये कहता है कि हर वेक्टर के पास, जो वेक्टर होता है ना, इसके पास एक ना एक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। एंडोन्यूक्लियस ने इसको कट करना है तो एक साइट होनी चाहिए जहां पे एंडोन्यूक्लियस जाके इसको कट करेगा और ये खुल जाएगा। बट रूल ये भी कहता है कि एक एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही साइट होना चाहिए, वन साइट फॉर वन एंडोन्यूक्लियस। क्यों? अगर मान लो एक इको आर वन है, फॉर एग्जाम्पल, इस इको आर वन की 3 साइट है, तो इको आर वन आके यहाँ कट लगाएगा, यहाँ कट लगाएगा, यहाँ कट लगाएगा, इसके साथ तो गड़बड़ होगी, 1, 2 और ये 3 और ये 4, ये तो 4 टुकड़ों में टूट जाएगा, हमारा तो वेक्टर ही डिस्टर्ब हो गया। हमें सिर्फ उसको खोलना है, ओपन करना होता है। इसीलिए कहते हैं कि एक एंडोन्यूक्लियस के लिए सिर्फ एक साइट होनी चाहिए ताकि एक जगह कट लगे और वो खुल जाए। अगर एक एंडोन्यूक्लियस के लिए कई सारी साइट होंगे ना, तो वो जगह जगह कट लगा के उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, जो हमारे लिए काम खराब हो जाएगा, ठीक है। पीबीआर 322 में गौर करना, 8 साइट्स हैं और 8ों अलग अलग एंजाइम की हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ों अलग अलग की हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक टाइम पे साल वन यूज करते हैं तो साल वन एक ही कट लगाएगा, बाम एचआई यूज करते हैं तो वो भी एक कट लगाएगा, हिंट 3 यूज करते हैं तो एक ही कट लगाएगा। यहाँ पे फायदा ये है कि अगर कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट पीबीआर 322 पे काम कर रहा है ना, तो उसके पास 8 ऑप्शंस हैं कि तू 8ों में से कोई भी एंजाइम यूज कर ले जो इजीली अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि उसके पास 8 साइट्स हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। वेक्टर्स के ये स्पेशल फीचर्स हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो रेप्लिकेट कर सके, छोटा होना चाहिए वेक्टर, इसको आइसोलेट करना और प्यूरिफाई करना इजी होना चाहिए, एंड सिलेक्टेबल मार्कर इज द मस्ट। ये बहुत जरूरी है, ये कल को सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। सिलेक्शन किसकी? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की। ट्रांसफॉर्मेंट वो होते हैं ऐसे होस्ट जिनमें कोई ना कोई फॉरेन डीएनए आ गया है, अब वो हमारा डिजायर्ड वन भी हो सकता है और अनडिजायर्ड भी हो सकता है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिनमें कोई भी एक फॉरेन डीएनए नहीं आया। क्लोनिंग साइट का मतलब होता है रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के लिए एक ही होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ द प्लाज्मिड वेक्टर्स, सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होते हैं पीबीआर 322 एंड PUC 1819। पी का मतलब है प्लाज्मिड, बी का मतलब है बॉलीवर, आर का मतलब है रॉड्रिग्यूस। 1977 में इसको डेवलप किया गया था, 322 इसको नंबर दिया गया था इसकी लैब में, क्योंकि इसी लैब में इसी साइंटिस्ट ने और बहुत सारे वेक्टर्स बनाए थे, उनको आइसोलेट किया था। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको पता होने चाहिए, इसका जो साइज होता है डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए बेस पेयर तो होंगे ही होंगे, 4363 बेस पेयर होते हैं। पहला आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड था ये। इसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, इसका यूज अभी मैं आगे बताऊंगी कैसे होता है। इसके पास 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं फॉर द डिफरेंट एंजाइम, और जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया ना अभी, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये, पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, सेंटर में इसका नाम लिखोगे, ये 2 रेजिस्टेंट जीन्स हैं, ये 8 क्या है रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। एक आरओपी वर्ड आता है यहाँ पे,
ROP protein for the replication. This protein help in the DNA polymerase to recognize the ORI. इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है. ROP की मदद से DNA polymerase को ये पता लग जाता है कि ORI कहीं ना कहीं आसपास ही है. Otherwise जो DNA polymerase होते हैं ना वो directly ORI पे bind नहीं कर सकते. ये सिर्फ identification में help करता है. ठीक है, ये देख रहे हो, ये एक सिलेक्टेबल मार्कर है जो डार्क दिखाया मैंने, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और ये एक डार्क पोर्शन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. अब ये 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ये मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं. हिंट 3 किससे लिया गया, बा मैच आई किस लिए लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम पूछ लेते हैं कौन से एंजाइम से ये आइसोलेट किया गया था. जो डायग्राम है ये मैं इमेज शेयर कर दूंगी, ये वाली, ये आपको पूरा ऐसे कैसे ड्रॉ करना है. ठीक है, ये देख रहे हो पिंक कलर से जो दिख रहा है, ये दो रेजिस्टेंस जीन है, ये सिलेक्शन में हेल्प करेंगे. उसके बाद अलग फैमिली आती है वेक्टर्स की, PUC1819, ये भी PBR322 का ही डेरिवेटिव है. काफी स्मॉल होता है ये, उससे काफी छोटा है. इसमें एक ही रेजिस्टेंट जीन होता है एम्पीसिलिन, उसमें दो थे. उसका साइज कितना था, 4363 बेस पेयर, इसका लगभग उसका हाफ है. ठीक है, यूसी का, पी का मतलब है प्लाज्मिड और यूसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जहां इसको डेवलप किया गया था. ठीक है, उसके बाद अलग तरीके के वैक्टर्स होते हैं जो हम स्पेशली प्लांट्स एंड एनिमल्स में यूज करते हैं. एक है TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ठीक है, इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस. क्या था, एक पैथोजन होता है और ज्यादातर डाइकोट पे अटैक करता है, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है. ठीक है, डाइकोट प्लांट पे जो अटैक करता है, इस पैथोजन के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि इसके पास एक DNA होता है जो ये अटैक किया प्लांट के ऊपर, ये एक प्लांट है, इस पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस ने अटैक किया, ये अपना DNA इसमें ट्रांसफर कर देता है और इसका DNA उसके अंदर ट्यूमर करता है कॉज. यहां से साइंटिस्ट का दिमाग चल गया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के पास तो बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है, अपना DNA ट्रांसफर करता है और क्या करता है, उसकी DNA अपने वो होस्ट की जो सेल है उसको ट्यूमर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब डिवीजन को प्रमोट कर रहा है वो. तो उन्होंने क्या, उन्होंने सोचा कि अगर इसके DNA को मॉडिफाई कर दिया जाए, मॉडिफाई का मतलब है कि उसकी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी खत्म कर दो, इन्फेक्शन कॉज ना करे, तो हम उसकी जो ये वाली प्रॉपर्टी है ट्रांसफर करना और रेप्लिकेट करना, इसको तो हम वेक्टर एज अ टूल यूज कर सकते हैं बायोटेक के अंदर. तो साइंटिस्ट ने इससे एक नया वेक्टर बनाया था. इसके पास दो पावर होती है, गो एंड बाइंड टू दी होस्ट DNA एंड कैरी द डिजायर्ड जीन अलोंग विद इट. एक तो इसके पास ये है कि ये जाएगा होस्ट सेल के अंदर और साथ में अपना डिजायर्ड जीन भी ले जाएगा. दूसरा, ये उस सेल को स्टिमुलेट करेगा डिवाइड करने के लिए. एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड है जो एक बैक्टीरिया से ही आइसोलेट किया गया था. जनरली ये पैथोजेनिक होते हैं, डाइकोट में डिसीज कॉज करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको डिसआर्म कर दिया था. डिसआर्म का मतलब होता है इसकी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी को खत्म करके उसको एज अ वेक्टर यूज करना शुरू कर दिया था. हमें वेक्टर में दो ही चीजें चाहिए होती हैं कि एक तो ये हमारे डिजायर्ड DNA को ले जाए और डिवाइड कर जाए, ठीक है, नंबर बढ़ा ले. तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ इसको प्लांट में यूज कर सकते हो. फिर एक और डेवलप किया RI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजन से, ये TI के बिल्कुल जैसा होता है. रेट्रोवायरसेस होते हैं, जो रेट्रोवायरसेस क्या करते हैं, जैसे COVID-19 ही है, ये एक तरह से अपना जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में डालते हैं और हमसे वो काम कराते हैं जो ये चाहते हैं. तो साइंटिस्ट ने कहा कि इनको भी डिसआर्म करके, डिसआर्म मतलब इनकी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज को खत्म करके हम एज अ वेक्टर इनको यूज कर सकते हैं. तो करना क्या है आपको, एंजाइम की डिटेल समझ के उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट है वेक्टर. ये थोड़ी सी टिपिकल है, पहले आप वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ोगे कि ये व्हीकल होते हैं, कैसे काम करते हैं. दो टाइप होते हैं कि क्लोनिंग और एक्सप्रेशन. ठीक है, तो उसके बाद हमने एक आइडियल वेक्टर में, चाहे वो क्लोनिंग हो चाहे एक्सप्रेशन हो, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत जरूरी है.
राइट उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल करना है जो आपका मेन है ना बेटा एनसीईआरटी में दिया है PBR 3-2, इसको तो हर हाल में करना ही करना है बोर्ड्स के लिए। बाकी जो ये PUC 18-19 है और ये वाले जो लिखे हैं TI-PLASMID, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। ये भी बोर्ड में आता है कई बार, TI-PLASMID के बारे में लिखो और इसकी लिमिटेशन क्या है, रेट्रोवायरसेस को आप कैसे यूज कर सकते हो। बेसिकली वेक्टर में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आपका फॉरन DNA ले जाए और खुद भी डिवाइड करे और उसका भी नंबर बढ़ाता जाए। ये तो थे नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड जो नेचर में ऐसे कैसे पाए जाते हैं। कुछ कंस्ट्रक्टेड वेक्टर्स भी होते हैं जिनको हाइब्रिड कह सकते हो आप, कंस्ट्रक्ट करते हैं। कॉस्मिड, कॉस्मिड का मतलब होता है प्लाज्मिड प्लस कॉस साइट्स, मतलब दो चीजों को मिलाकर बनाते हैं। कॉलिन्स एंड दो, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1978 में पहली बार कॉस्मिड नाम का वेक्टर बनाया था। बहुत छोटा होता है, 30-52 किलो बेस पेयर का, ठीक है। और इसमें जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो सिर्फ एक ही है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ऐसे ही फेजमिड्स, फेजमिड्स कैसे बनाते हैं, नाम से पता लग रहा है, प्लाज्मिड प्लस किसी भी फेज का, वायरसेस का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लेकर। जो आपके जो सबसे कॉमनली यूज होते हैं वो PBR 3-2 और PUC हैं, इनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए रिसर्च, ठीक है। बाकी सब सिर्फ एक बार नाम देख लेना। कमर्शियल स्केल पे जब आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब करना होता है किसी चीज का, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो वेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी है ये समझना, इसे मैं कल के लेक्चर में करूंगी। अभी के लिए आप वेक्टर वाला आज कंप्लीट कर लेना और मैं आपको एक बार एक एनिमेशन दिखाती हूँ। वीडियो दिखाई दे रही है, स्टार्ट कर दूं? प्लीज जल्दी रिप्लाई करो, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। स्टार्ट कर दूं? अभी के लिए तुमने बायोटेक की डेफिनेशन, बायोटेक के दो प्रिंसिपल, जेनेटिक एंड केमिकल इंजीनियरिंग, दो रिक्वायरमेंट पढ़ी है, एंजाइम एंड वेक्टर, ठीक है। अगला टॉपिक हम कल करेंगे, इतना ही एनिमेशन में दिखाया है। The two core techniques that enabled the birth of modern biotechnology are genetic engineering, the technique of altering the nature of genetic material and or introduction of it into another host organism to change its phenotype. Techniques to facilitate the growth and multiplication of only the desired microbes or cells in large number under sterile conditions for the manufacture of biotechnological products. Development of principles of genetic engineering. Hybridization is the traditional method used in plant breeding and animal breeding for the improvement of the products. Very often it leads to the combination of undesired genes. मैंने बताया था ना हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आप दो प्लांट का हाइब्रिड बनाते हो, डिजायर्ड और अनडिजायर्ड दोनों आएंगे। बायोटेक का एडवांटेज क्या है कि आप जीन सिलेक्ट कर सकते हो, जो आप चाहते हो सिर्फ उसी को ही ट्रांसफर करोगे, अनडिजायर्ड को आप ट्रांसफर नहीं करोगे। With desired genes, recombinant DNA can be developed by genetic engineering to overcome the limitation of hybridization. The host DNA combined with foreign DNA or artificial DNA is called as recombinant DNA. An origin of replication is a sequence of DNA at which replication is initiated on a chromosome, plasmid, or virus. For small DNAs, including bacterial plasmids and small viruses, a single origin is sufficient. Larger DNAs have many origins, and DNA replication is initiated at all of them. समझ आ रहा है, जब डीएनए के साइज पे डिपेंड करता है, छोटा डीएनए है तो उसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सफिशियंट होता है, लाइक इन केस ऑफ द प्लाज्मिड वायरसेस, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा डीएनए है जैसे ह्यूमन डीएनए है, तो उसमें मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल व्हेन द एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द एलियन का मतलब है बेटा फॉरेन, ठीक है, जो सेल का अपना नहीं है, कोई बाहर से ऐड किया गया है, so that the DNA can replicate and multiply in the host organism. This is called as DNA cloning. Construction of artificial recombinant DNA. Plasmids are extrachromosomal DNA, which can transfer the genes or DNA from one bacterium to another. They isolate the antibiotic resistance gene from the plasmid of Salmonella typhimurium by cutting with restriction enzymes.
The isolated gene was linked to the plasmid by DNA ligase and join. This makes the recombinant DNA in vitro, that is laboratory conditions. पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? स्टैनली एंड कोहेन ने. साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम से इन्होंने क्या किया था? दे आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ द साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि कौन से किस किसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया था और फिर उसको बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में ऐड कर दिया था. दिख रहा है ये ब्लू वाला फॉरेन जीन हो गया और ये वेक्टर हो गया. ये जो इस तरह के एंड होते हैं जो आगे पीछे हैं, इन एंड को क्या कहते हैं हम? स्टिकी एंड्स. This recombinant DNA was transferred to the bacteria Escherichia coli, closely related to Salmonella. The antibiotic resistance gene can replicate in the E. coli, and multiple copies are formed. This is called as gene cloning. The steps in modifying an organism genetically. Identification of DNA with desired genes. Introduction of the identified DNA into the host. Maintaining the introduced DNA in host and transferring the DNA to its progeny. Tools of recombinant DNA technology. Restrictionist progeny. ये समझ में आया? ये कह रहे हैं कि आप बायोटेक में क्या करते हो, आप एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हो, सिंपल, उसके जीन्स के साथ छेड़खानी करते हो, लेकिन किसी अच्छी चीज के लिए करते हो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए करते हो. तो आपको क्या क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद द डिजायर्ड जीन. पहले तो हमें डिजायर्ड जीन वाला आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको हमने किसी एक होस्ट में ट्रांसफर करना है, फिर हमें ये देखना है, ये चेक करना है कि जो हमने डीएनए उस होस्ट में ट्रांसफर किया है वहां पे वो मेंटेन हो और कल को उसकी प्रोजेनी में भी आगे वो जाए, तभी तो हमारा सक्सेसफुल हो पाएगा. एक सेल में हमने ट्रांसफर कर दिया, उससे हमारा काम तो नहीं चलता, आगे वो प्रोजेनी में भी जाना चाहिए. ये प्रोसेस है. इसके टूल कौन कौन से हैं? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. Restriction enzymes belong to a class of enzymes called as nucleases. These enzymes can cut the DNA double helix at specific sequences. These are of two types: exonucleases, endonucleases, exonucleases. These enzymes. ये मैंने नहीं बताया था, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा. Remove nucleotides from the ends of the DNA. Endonucleases. These make the cuts at specific position with the DNA. These enzymes recognize specific sequences called palindromic nucleotide sequences in the DNA. Palindromic nucleotide sequences. It is the sequence of the base pairs that read same on the strands when orientation of reading is kept the same. The following sequences read same on the two strands in 5' to 3' direction. Or 3-to-5- direction.